हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो ये हार्मोन सिक्रेट करती है एंड ये बटरफ्लाई शेप की होती है। इसकी जो शेप है तितली के जैसी है, बटरफ्लाई जैसी आप डायग्राम में देख सकते हैं। लोकेशन इस ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर लोकेटेड है, इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। सो ये है लैरिंग्स, लैरिंग्स के सामने ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, ये जो रेड कलर की है। ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड पर ये प्रेजेंट है, राइट लोब इधर साइड, लेफ्ट लोब लेफ्ट साइड। इसका जो वेट है वो 20-40 grams होता है। सो इसकी जो लेंथ है वो 5 centimeter और विथ 3 centimeter, यानी 5 centimeter लंबा और 3 centimeter चौड़ा होता है। ये क्या होता है, फीमेल्स में इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। नाउ इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सो स्ट्रक्चर इसमें एक इधर साइड राइट लोब है, राइट साइड लेफ्ट लोब, और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है इस्थिमस से। सो ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, एंड आपस में ये कनेक्टेड है इस्थिमस से। एक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इस्थिमस। एंड ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसको T4 भी कहते हैं। सेकेंड हार्मोन है ट्राईआयडोथायरोनिन, जिसको T3 कहते हैं। क्योंकि ये T3 है इसलिए ट्राईआयडोथायरोनिन है, थायरोक्सिन T4 है इसलिए इसका दूसरा नाम है टेट्राआयडोथायरोनिन। देन जो थर्ड हार्मोन ये सिक्रीट करता है वो है कैल्सिटोनिन। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। सो थायरॉइड ग्लैंड फॉलिक्यूलर सेल से बना है। सो उन सेल से सिक्रीट होते हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स, और इन्हीं फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं। नाउ थायरॉक्सिन T4 एंड ट्राईआयडोथायरोनिन T3 हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स आयोडीन इनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आयोडीन से ही बनते हैं। कैसे? जैसे ट्राईआयडोथायरोनिन है, इसका नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, T3, इट मीन्स इसमें 3 एटम्स ऑफ आयोडीन है तभी हार्मोन बना है। T4 टेट्राआयडोथायरोनिन इसका दूसरा नाम है, इट मीन्स इसमें 4 एटम्स ऑफ आयोडीन है तब ये हार्मोन बना है। सो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फॉर्मेशन। अब आयोडीन ट्रैपिंग क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड में से आयोडीन को ट्रैप कर लेती है, यूज करती है आयोडीन को थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए, उसको बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। एंड गोइटर क्या होता है, जब बॉडी में T3 और T4 हार्मोन्स की कमी हो जाती है किसी वजह से, जब हम आयोडीन नहीं लेते, क्योंकि आयोडीन ज़रूरी है इनकी फॉर्मेशन के लिए। अगर हम आयोडीन नहीं ले रहे, आयोडीन किससे मिलता है हमें, सी फूड से, जो टेबल सॉल्ट होता है आयोडीन सॉल्ट उससे मिलता है, और जो भी आयोडीन सॉइल में वेजिटेबल्स ग्रो हुई है उससे मिलता है। अगर हम ये इंपॉर्टेंट आयोडीन नहीं ले रहे तो इन हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी कमी को कंपनसेट करने के लिए अपने जो साइज है उनको प्रोलिफरेट कर लेती है, मतलब अपने साइज को बड़ा कर लेती है। सो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा T3 एंड T4 सिक्रीट हो सके। उस कंडीशन को हम बोलते हैं गोइटर, जिसमें थायराइड ग्लैंड ईजिली विजिबल होती है, पल्पेट हो सकती है, बड़ी हो जाती है। वो T3 और T4 की डेफिशिएंसी के कारण होता है या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। देन अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे T3 एंड T4 के क्या है। फर्स्ट फंक्शन इसका इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो इंक्रीज कर देती है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, ताकि सेल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज कर सके। जो भी हमने खाया पिया है उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा सेल एंड टिश्यू यूज कर सके अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो ये कर देती है, इंक्रीज कर देती है मेटाबॉलिज्म को, एंड हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है मेटाबॉलिज्म से। सेकेंड है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो कार्ब्स हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती है ताकि एनर्जी अवेलेबल रहे सेल्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज में, दोबारा से कन्वर्ट कर देती है ताकि ग्लूकोज ब्लड में हमेशा बना रहे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सेल्स उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लें। फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देती है ताकि फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल रहे सेल्स एंड टिश्यूज की डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन, नर्वस सिस्टम और स्केलेटन मसल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म करती है। सो मेटाबॉलिज्म
से एनर्जी मिलती है सेल्स एंड टिश्यूज को, इसलिए नर्वस सिस्टम और स्केलेटन के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए T3 एंड T4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ये जो T3 और T4 है ये कैसे रिलीज होते हैं, कैसे स्टिमुलेट होते हैं। सबसे पहले अगर एक्सरसाइज की है तो भी एनर्जी की जरूरत है, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज, स्लीप, ये सब फैक्टर क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। सो हाइपोथैलेमस आपको पता ही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। देन हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। सो TRH क्या करेगा, T3 और T4 को रिलीज करेगा। कैसे करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, इसलिए काफ़ी हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन को रिलीज करेगा। अब थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायरॉयड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज करेंगे। अब ब्लड में क्या हो गया, लेवल इनका हाई हो गया T3 एंड T4 का, तो क्या होगा कि एक हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा जिसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक फीडबैक जाएगा कि अब इसको बंद कर दो और रिलीज मत करो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब इंक्रीज हो गया ब्लड में लेवल, सो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। जो यू सेल्स हैं वो इसको यूज कर लेंगे T3 और T4 को, तो दोबारा से क्या होगा, ब्लड में इसका लेवल कम हो जाएगा। जब कम हुआ तो दोबारा से स्टिमुलेशन जाएगी हाइपोथैलेमस को कि और रिलीज करो जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं होता। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो ब्लड में T3 और T4 के लेवल पर डिपेंड करता है कि T3 एंड T4 हार्मोन कितना और रिलीज होंगे। अगर ब्लड में इंक्रीज लेवल है इट मीन्स और ज़रूरत नहीं है, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, दैट इनहिबिट एंड स्टॉप कर दो इसको। अगर डिक्रीज लेवल है इट मीन्स और ज़रूरत है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा हाइपोथैलेमस को कि और रिलीज करो। नाउ कैल्सिटोनिन जो थर्ड हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है उसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरॉयड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है। इनका दूसरा नाम है सी सेल्स भी इनको बोलते हैं। अब कैल्सिटोनिन नाम से पता लग रहा है कि कैल्शियम से कुछ रिलेशन है इसका, सो इसलिए ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर रेज हो गया है मीन्स ज़्यादा हो गया है तो उसको लो करता है। अब दो तरह से ये ब्लड में जो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया उसको लो करता है, कैसे, एक तो जो बोन्स है उसमें ये स्टोरेज को बढ़ावा देता है। अगर ब्लड में ज़्यादा है लेवल तो ये बोन्स में शिफ्ट कर देता है कैल्शियम को, बोन्स में इनको स्टोर कर देता है कैल्शियम को। सेकंड कैसे करता है ये कि जो रीनल टिब्यूल्स हैं, सो ये रीनल टिब्यूल्स हैं इनमें इनका रीअब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है। कैल्शियम जो है अगर किडनी टिब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे ताकि जो ब्लड में इनका लेवल है वो कम हो जाए। सो एक फर्स्ट है कि ये बोन्स में स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है कैल्सिटोनिन कैल्शियम की, एंड सेकंड है जो रीनल ट्यूब्यूल्स या किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर इनकी रीअब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, मतलब जो बैक सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है थायरॉयड ग्लैंड का, उसके पोस्टीरियर सरफेस यानी बैक साइड पर प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसलिए इसका नाम है पैराथायरॉयड। ये 4 इन नंबर्स होते हैं, 4 नंबर हैं ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, वेरी स्मॉल साइज के होते हैं ये। और राइट लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड है, लेफ्ट लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड है, इसलिए 4 है नंबर में। इसका जो वेट है हर ग्लैंड का, ईच पैराथायरॉयड ग्लैंड का 50 मिलीग्राम इसका वेट होता है। इनका फंक्शन क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन का अनदर नेम है पैराथार्मोन PTH। अब इसका फंक्शन क्या है पैराथायरॉयड हार्मोन का, कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो उसको इंक्रीज करता है। अब कैसे इंक्रीज करता है, फर्स्ट तो ये जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से और रीनल ट्यूब्यूल से वो इंक्रीज कर देता है। ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में उसका लेवल भी इंक्रीज रहेगा। अगर ये दोनों भी काम नहीं, मतलब इतना इनफ अमाउंट में कैल्शियम नहीं अभी इंक्रीज हुआ ब्लड में, तो ये क्या करता है कि जो बोन के डिस्ट्रक्शन है उसको स्टिमुलेट कर देता है। बोन की डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोक्लास्ट सेल करते हैं, सो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट हो गए तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स
ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो कि बोन को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं. बोन डिस्ट्रॉय होगी तो उसमें से बोन में से कैल्शियम रिलीज होगा. सो कैल्शियम जो है ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. सो पहले जो मैंने कैल्सिटोनिन पढ़ाया था और पैराथायरॉयड हार्मोन जो अब पढ़ा है, ये दोनों ऑपोजिट एक्शन करते हैं. पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है. अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.